बुलंदशहर के पहासुक शिकारपुर रोड पर शनिवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। पेड़ से टकराने के बाद एक कार आग का गोला बन गई। इस हादसे में ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि कार सवार दो युवकों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस का कहना है कि टायर पंक्चर होने के बाद अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। शिकारपुर थाना क्षेत्र के पलरा गांव निवासी बंटू ने बताया कि उनका बेटा आकाश अपने दोस्त वरुण और दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी राहुल पुत्र पप्पी के साथ कार से दिल्ली जा रहा था। राहुल कार चला रहा था। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर पहाड़गढ़ी गांव के पास कार का टायर फट गया, इससे कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोनट से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। राहुल ने सीट बेल्ट पहन रखी थी, इस कारण वह कार से नहीं निकल सका। आग की तेज लपटों के चलते कोई भी राहुल की मदद के लिए नहीं पहुंच सका। लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार चला रहा युवक बुरी तरह जल चुका था। उसको जटिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य दो युवकों को जो घायल हैं, उनको नोएडा के अस्पताल में रेफर किया गया है।